माशाल्लाह। सो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को अपना साड़ी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। आप लोगों का काफी रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम अपना साड़ी कलेक्शन दिखाओ, लेकिन मैं हर बार इग्नोर करती जा रही थी। तो आज मैं अलमीरा भी साफ कर रही थी अपनी, तो सोचा आप लोगों को अपना साड़ी कलेक्शन भी दिखा देते, और आप लोगों का रिक्वेस्ट भी था, तो हम आज आप लोग के लिए साड़ी कलेक्शन लाए हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा, और बताइएगा आप लोगों को कौन सा साड़ी पसंद आया, मतलब कौन से कलर का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करना। तो ये रखा है मेरा साड़ी है सारा, तो आप तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये मेरी साड़ी है, और मेरी साड़ी को 8 साल हो गया। तो आप लोग सोच रहे हो फिर भी मेरी साड़ी काफी अच्छी रखी है, बट एक प्रॉब्लम है, मुझे फोल्ड करना नहीं आती खरी, इसलिए आप लोगों को साड़ी पुरानी टाइप की लग रही होगी। अच्छी फोल्डिंग होगी ना तो साड़ी भी अच्छी लगेगी, बट मुझे नहीं आती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये साड़ी देखिएगा, तो ये देखिएगा इसमें सारा जर्किन लग है, और बहुत ही प्यारा साड़ी है, बहुत हैवी साड़ी है। और ये साड़ी मैंने आप लोगों को इसलिए पहले दिखाया क्योंकि ये देखिएगा, तो क्या है ये साड़ी, क्या हुआ था, मेरी शादी इसी साड़ी को पहन के हुआ था। हमारे यहाँ क्या है, साड़ी में ही शादी होती है, जो साड़ी पहनते हैं ना, मतलब लहंगा तो स्टेज पर पहना जाता है बस, और फिर जो भामर वगैरह सिंदूर वगैरह जो हस्बैंड लगाते हैं वो सब साड़ी में होता है। तो ये साड़ी है जो जब हम भी बोलते हैं गोल गोल घूमते हैं, वो भी इसी साड़ी से। तो ये मेरा फर्स्ट साड़ी है, ये मेरा फेवरेट भी साड़ी है, इसका बहुत अच्छा कलर लगता है मुझे। और ये आ गई मेरी सेकंड साड़ी, और फ्रेंड्स ये मेरा सेकंड साड़ी है। तो आप सेकंड साड़ी देखते हो, इसका भी फोल्डिंग ऐसी रखा है, सारा फोल्डिंग बेकार है, तो मैं एक बार एक दिन धुलवाने के लिए डालूंगी, और फिर मैं इनको अच्छे से फोल्ड करके रखूंगी। तो देखिएगा ये साड़ी, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट साड़ी है, ये मेरा शोरूम का सारी साड़ी है, लेकिन आज साल भी हो गया, और फिर इनकी पैकिंग थी ना जो पॉलिथिन में वो सड़ गई, एक टाइम से पन्नी थी ना वो पैकिंग जो जिप वाली, तो क्या मतलब साड़ी बैग कहते हैं उसको, तो सबकी अलग अलग थी, उसका पन्नी का वो पन्नी सड़ गई तो निकाल दी हमने। अब कौन बार बार खरीदता, कोई नहीं खरीदता। तो सेकेंड साड़ी ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट साड़ी है, और ये साड़ी मैं कब पहना था, मैं एक बार ससुराल आ चुकी थी उसके लिए, मतलब तीसरी बार पहना था हाँ। और ये देखिएगा एक ग्रीन साड़ी, ये दो कलर का साड़ी है, एक इसमें ये देखो फोल्डिंग मेरी, तो ये है ये ज्यादा डार्क है, ये लाइट कलर है, तो ये भी ग्रीन साड़ी है, और इसका हैवी वर्क है, तो आप लोग देखिएगा इसका वर्क, इसका पूरा बॉर्डर, और भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो बहुत ही प्यारी, इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा है। और आप साड़ी कलेक्शन भी देखना चाहो तो मैं साड़ी कलेक्शन ब्लाउज कलेक्शन भी देखना चाहो तो ब्लाउज कलेक्शन भी दिखाऊंगी। और एक साड़ी हम पहने ही हुए हैं, तो तीन साड़ी आपको दिखा दी, और एक साड़ी ये भी शादी का साड़ी है, तो आज मैंने पहन लिया ये। और ये साड़ी वो बहुत हैवी है, और ये साड़ी मैंने पहना था अपनी बहन की शादी में पहना था, तो ये देखिए सारा जर्किन नग है। तो ये भी हुआ हमारा साड़ी, और ये गाड़ी आई इसकी, तो मैं ज्यादा नहीं फोल्ड रही, वरना मुझे फोल्ड करना नहीं आती और बिगड़ जाएगी। और ये मेरी मम्मी ने साड़ी दिया था, आप लोग देख रहे हो, जब मैं फर्स्ट बार गई थी ना रक्षाबंधन पे, तो उन्होंने मुझे ये साड़ी दिलवाया था, लिया मैंने अपनी पसंद से था, तो ये साड़ी जपका है शादी के बाद का। और ये है मेरा शादी का साड़ी, एक ग्रीन कलर का साड़ी, बट अच्छा है, सुंदर है, ये चुमी में क्यों लगता है, तो इस टाइप का फ्लावर है पूरी साड़ी पे। अरे सारी साड़ी चलो मैं खोल के दिखा देती हूँ थोड़ा, इस टाइप का पूरे में, और ये मुझे, तो ये साड़ी मेरे हस्बैंड को कलर पसंद नहीं आता ग्रीन, इसमें मैं इसको कम पहना है, इस साड़ी को अच्छी है बट पता नहीं क्यों नहीं पसंद साड़ी। ये ब्लू कलर का साड़ी किसने दिया था, हाँ मेरे सासू माँ ने दिया था, अब मुझे शादी के कुछ दिनों बाद दिया था, मुझे याद नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो इस पर रेड कलर का, और ये गोल्डन कलर का, और बीच में है येलो कलर का फ्लॉक, तो इसी टाइप का पूरा साड़ी है,
थैंक यू, बहुत सुंदर लगता है, मैंने एक दो ब्लॉग में भी पहना है। ये देखिए तो इनकी फोल्डिंग बेकार है, कितनी बार बोलूं मैं फोल्डिंग बेकार है। और ये है अपना ग्रे कलर का साड़ी, तो आप लोग देख रहे हो, ये है हमारा ग्रे कलर का साड़ी। फोल्डिंग ही खराब हो गई इसकी, मैं फोल्ड तो फ्रेंड्स देख सकते हो, ये अपना ग्रे कलर का साड़ी है और ये हैवी है बहुत, और देखने में पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, मुझे तो ये सारी ग्रे कलर वैसे भी मुझे बहुत ही बेस्ट लगता है। तो ये पूरा वर्क ऐसा ही है, नीचे जो फ्लावर दिए हुए हैं तो जो पूरी पटलियां हैं इसी टाइप का आता है पूरे में वर्क, ये वर्क बहुत सुंदर है। मुझे तो जितनी भी साड़ियाँ हैं अपनी बहुत प्यारी लगती है, तो शादी को भी मेरे 8 साल हो गए तो ऐसा ही होगा ना अब तो। और ये येलो आप देख रहे हो फोल्डिंग, ये देखो, और ये रहा येलो कलर का साड़ी, तो ये पूरा वर्क ऐसा ही है, तो येलो कलर का साड़ी। और ये साड़ी मैंने कब पहना था, ये साड़ी मैंने कब पहना था जब मैं मतलब मायके से आई थी ससुराल, फिर ससुराल से गई थी, बस फर्स्ट टाइम अपने मायके गई थी शादी के बाद, जब ये साड़ी पहना था। और इस साड़ी है हसबैंड के पसंद का येलो कलर, और मुझे भी अच्छा लगता है। वो बचा ये सिंपल सा साड़ी, तो ये सिंपल साड़ी, तो ये सिंपल साड़ी आप देख रहे हैं कितना प्यारा है इसका कलर, बहुत अच्छा लगता है पर्पल कलर, और सिंपल है, कंफर्टेबल है, ज्यादा मतलब हैवी नहीं है। और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी है, मैंने एक दो बार ही पहना होगा लेकिन कभी ब्लॉग में नहीं पहना। तो ये साड़ी भी हुआ अपना कंप्लीट, और आप मुझे बताना जरूर कमेंट में। और ये साड़ी को तो मैं दिखा ही नहीं रही, ये भी शादी की साड़ी है लेकिन फोल्डिंग इतनी गंदी है, तो दिखा देती हूँ ऐसे करके। इसको मैं कल धोने वाली हूँ अपने हाथों से, इसको धुलवाने, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई, बहुत ज़्यादा पहली है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा साड़ी कलेक्शन, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सबसे प्यारा कौन सा साड़ी लगा मेरा, और सच सच बताना, और वो ढेर सारे भर करके कमेंट करना। और फ्रेंड ये ब्लॉग को ही ऐड कर देते हैं, और आप लोगों को कोई ब्लाउज कलेक्शन या बैंगल कलेक्शन या कुछ भी मतलब किसी का भी कलेक्शन चाहिए आप लोगों को, तो मुझे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यही इस ब्लॉग को ही ऐड कर देते हैं, अगर वीडियो पसंद आया होगा ब्लॉग को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।